संसद से एक साथ 142 सांसदों पर निलंबन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश भर में लोकतंत्र बचाओ धरना प्रदर्शन व रैली निकाली गई। दमोह में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रतन चंद जैन के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दमोह कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हमारे जो विपक्ष के 143 सांसदों का निलंबन हुआ है उसके विरोध में आज दमोह जिले में ज्ञापन दिया है। दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में आज ये ज्ञापन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ती है। जब कोई बात संसद में रखने का कांग्रेस प्रयास करती है या विपक्षी दल, तो भारतीय जनता पार्टी उसका सही जवाब नहीं देती, और जब संसद में जवाब नहीं देंगे तो हम कहाँ जवाब मांगे। इसलिए हमारे जब सांसदों ने ये मांग करी कि आपके द्वारा सदन में कैसे लोग घुस गए, कैसे वहाँ पर गैस लीक हुई, तो उन लोगों को मजबूरी में हम लोगों की बात का जवाब न दे के गृह मंत्री जी ने अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया और उल्टा 143 विपक्ष के सांसदों का निलंबन किया। उस घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस और NSUI के साथियों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है और जिला कांग्रेस कमेटी इस कृत्य की निंदा करती है। साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र जो विधानसभा के अंदर से अलग किया गया है, महापुरुषों के चित्र जो एक सदन की परिगरिमा है, परंपरा है, उसके अनुसार हर वरिष्ठ महापुरुष का चित्र सदन के अंदर रहना चाहिए, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने वो चित्र अलग किया है। तो कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र यथावत लगाया जाए, सदन की गरिमा को रखाया जाए, और इसके लिए हमारे विधायकों ने भी मध्य प्रदेश में उसके संबंध में ज्ञापन और कार्रवाई की है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का आज धन्यवाद भी करता हूँ कि हमने पैदा किया गया। जब सांसदों की सुरक्षा और खतरा पैदा हुआ तो विपक्षी दल ने मांग की कि गृह मंत्री इस पर अपना वक्तव्य तो देवे और जवाब दें कि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो जवाब ना देते हुए लोकतंत्र में इतिहास में पहला ऐसा मामला है देश के इतिहास में कि 143 सांसदों का निलंबन कर दिया गया और निलंबन के संबंध में आज जिला कांग्रेस कमेटी दमोह पूरे दलों के साथ माने पूरे राजनीतिक पार्टी के जो हमारे युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI सब विगों के साथ ज्ञापन दिया कि 143 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए और एक घिनौने कृत्य की जिला कांग्रेस ने निंदा की। ज्ञापन यह कि मध्य प्रदेश विधानसभा में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र लगा था, परंतु जैसे ही नई सरकार ने शपथ ली चित्र को अलग कर दिया गया, तो उसकी भी हमने मांग की है कि चित्र को नेहरू जी के यथावत लगाया जाए। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के